महाभारत की पूरी पृष्ठभूमि अगर आप देखें तो एक तरफ पांडव हैं और दूसरी तरफ कौरव हैं। कौरव 100 भाई हैं और पांडव 5। और ये जो गीता घटित हुई है इसका विवरण भी बड़ा मज़ेदार है। धृतराष्ट्र जो कि राजा है हस्तिनापुर का और कौरवों का पिता है, पांडवों का भी वो काका है, चाचा है, ऐसी पृष्ठभूमि में धृतराष्ट्र चूंकि युद्ध के मैदान में नहीं जा सकता था, चूंकि अपने पुत्रों की तरफ से लड़ नहीं सकता था, इसलिए राजभवन में बैठा बैठा वो संजय नामक एक व्यक्ति से प्रश्न पूछता है। संजय के पास एक विशिष्ट क्षमता है, संजय के पास दूर की आवाज़ों को सुन सकने, दूर देख सकने की क्षमता है। तो संजय से सवाल कौन पूछता है? वह पूछता है जो देख नहीं सकता है। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, वो देख नहीं सकते थे, तो एक ना देखने वाला व्यक्ति सवाल पूछता है। और किससे पूछता है? उससे पूछता है जो बहुत दूर देख सकता हो। अब थोड़ी चर्चा हम ये क्लियरवायंस है, दूरदर्शन है और दूर श्रवण है, इस पर थोड़ी चर्चा कर लें। कुछ साल पहले तक जब हमारे पास संचार के इतने साधन नहीं थे तो इस बात पर विश्वास करना ज़्यादा कठिन था। आज के युग में जहाँ हमारे पास बिना तार के बात करने वाले संचार साधन या प्लाज्मा जैसे कंसेप्ट आज उपस्थित हैं, हम बहुत दूर की चीज़ों को सैटेलाइट से देख सकते हैं। अमेरिका में क्या हो रहा है, किस घर के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, वो सब चीज़ें देख सकने की क्षमता आज हमारे सैटेलाइट में है। तो संजय कोई ऐसा व्यक्ति हुआ हो, इस बात को लेकर के अनिश्चितता का होना स्वाभाविक नहीं होना चाहिए। दूरदर्शन या दूर श्रवण संभव है और दूरदर्शन या दूर श्रवण कैसे हो सकता है, इसको लेकर के परंपरा में और ख़ास तौर पे योग और तंत्र मार्गों में बहुत सारी विधियाँ खोजी गई हैं। उसके विषय में फिर हम किसी समय चर्चा करेंगे। फिलहाल आज मैं आपको भगवद गीता का जो शुरुआती अध्याय है उस पर थोड़ी आपसे चर्चा करना चाहूँगा। भगवद गीता कोई बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है, बहुत छोटा ग्रंथ है, 700 श्लोक हैं। पृष्ठभूमि मैंने आपसे बताई कि एक अंधा आदमी एक ऐसे व्यक्ति से जिज्ञासा कर रहा है जो दूर हो रही चीज़ों को सुन सकता है और देख सकता है। तो उस अंधे पिता उस वासना में उस मोह में गए हुए आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती।
भारतीय शास्त्रों की बड़ी विशेषता यह है कि अक्सर यहाँ के शास्त्र किसी जिज्ञासा के साथ शुरू होते हैं। ब्रह्मसूत्र आप देखें, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। भक्ति सूत्र देखें, अथा तो भक्ति जिज्ञासा। योग सूत्र देखें, अथ योगानुशासनम। तो इसी तरह से जो गीता है, श्रीमद् भगवद गीता है, इसकी शुरुआत भी एक जिज्ञासा से हो रही है। तो धृतराष्ट्र की जिज्ञासा है। और भी कुछ बातें थोड़ी मैं आपसे शेयर कर दूं, उसके बाद हम श्लोकों को लेंगे। आप देखें तो कौरव, जो कि इस संस्कृति में अधर्म के, अज्ञान के, अन्याय के प्रतीक माने जाते हैं, और जो पांडव हैं, पांडव धर्म के, न्याय के, सम्मान के प्रतीक समझे जाते हैं। तो पांडवों की संख्या 5 है और कौरवों की संख्या 100। ये 5 और वो 100, फिर भी आप देखें कि 5 इन 100 पर भारी पड़ते हैं। हमेशा हमारी परंपरा इस बात का प्रोत्साहन करती रही है कि अधर्म कितना ही ताकतवर हो, जय हमेशा सत्य की ही होती है। तो इस कहानी की पृष्ठभूमि के साथ हम लोग ग्रंथ की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रयोजन इसकी ऐतिहासिकता पर बात करना नहीं है, बल्कि श्रीमद् भगवद गीता को एक जिज्ञासु की दृष्टि से, एक आत्म परीक्षण करने वाले व्यक्ति की दृष्टि से देखने की कोशिश है। आइए हम सब मिल करके इसको समझने की कोशिश करें। धृतराष्ट्र संजय से पूछता है, क्या पूछता है? पूछता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वतु संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव, युद्ध की इच्छा से जो मेरे और पांडव के पुत्र इकट्ठा हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो एक जिज्ञासा है, और जिज्ञासा अंधे आदमी की है, जिज्ञासा अज्ञान से भरे हुए आदमी की है, जिज्ञासा मोह में जकड़े हुए की है। क्या आपका प्रश्न इसी मोह और अज्ञान से नहीं निकलता है? क्या आपके द्वारा पूछे गए जो प्रश्न है, वह प्रश्न आपकी वासना से पैदा नहीं होते? आपको जानना क्यों चाहते हैं? क्या वो जानना आपकी वासना का परिणाम नहीं है? कितनी ऐसी चीजें हैं जो लगातार आप जानना चाहते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं कि वह वस्तु कैसी है, वहाँ क्या हो रहा है, बल्कि उसके साथ हमारा एक इंटेंशन जुड़ा हुआ है, हमारी एक कामना जुड़ी हुई है। तो इस छोटे से विचार के साथ मैं आज आपको
यहीं पर रोकता हूँ। आपसे मैं कहूँगा कि आप भी मेरे साथ साथ आइए इस ज्ञान गंगा में, इस गीता जी के दिव्य सरोवर में स्नान करें। और मैं आवाहन करता हूँ आप सभी का कि आप अपने साथ इन श्लोकों को लेकर बैठें और थोड़ा थोड़ा उसमें समझने की कोशिश करें, उसके अर्थ को नहीं। अर्थ को तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसमें निहित जो गंभीर और गूढ़ बातें। तो इस बीच हम गीता की श्रृंखला को लेंगे और लगातार पूरे 700 श्लोक पर आपके साथ चर्चा करने की, आपके साथ गुफ्तगू करने की मेरी योजना है। आप मेरे इस विचार को ध्यान से सुन रहे होंगे और सुनने के बाद यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न खड़ा होता है, तो निसंकोच कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक प्रेषित करें। मेरी बातों को इतने प्रेम और आनंद से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।